कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। कलेक्ट्रेट में एक रोड रोलर मिला जो अभी पटना संग्रहालय में रखा गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये रोड रोलर। आपको बता दें कि करीब करीब 100 साल का होगा, जबकि ऐसे अफवाहें चल रही है कि 150 साल पुराना है और 70 फीट खुदाई में मिला है, जो कि सरासर गलत है। जब हमने अधिकारी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ना ही ये 70 फीट खुदाई में मिला है और ना ही ये 150 साल पुराना है, क्योंकि अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। जब टेस्टिंग होगी तभी क्लियर हो पाएगा ये कितना साल पुराना है। आप देख लें, अभी का जो रोड रोलर है और जो पुराना ये जो एंटिक रोड रोलर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फर्क दिखेगा। अभी का रोड रोलर है वो डीजल से चलता है और ये जो पुराना है ये आपको स्टीम से चलता है, मतलब कोयले से। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, हालांकि अभी के रोड रोलर से लगभग मिलता जुलता दिखेगा। और ये आपको बता दें कि करीब 100 साल पुराना रोड रोलर है जो लाकर रखा गया है पटना संग्रहालय में। अब देख लें चारों तरफ से इसका डिज़ाइन। हालांकि जब हमने बात की अधिकारी से तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये 70 फीट गड्ढे में तो दबा हुआ नहीं था, हाँ जैसे, मगर ये रोड रोलर जो है वहाँ मिला, चल रही थी वहाँ जाँच वगैरह चल रही थी तो उसी में ये रोड रोलर जो मिला। आप देख सकते हैं इसका कंडीशन क्या हाल है, काफ़ी पुराना है, चारों तरफ जंग लग चुका है। आप देख सकते हैं चक्के भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और इसका जो मशीन है ये भी आपको अलग मिलेगा। और आप देख सकते हैं स्टीम के थ्रू चलता है, जहां वहां से आपको धुआं छोड़ता है। और आपको हम दिखाते हैं यहां जहां कोयला डाला जाता है। आप देख लें ये रोड रोलर है, ये इसकी मशीन है, यहां से सारा कुछ काम होता है। अभी का भी रोड रोलर है जो चल रहा है और ये आपको काफ़ी पुराना रोड रोलर है। हालांकि टेस्टिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जब क्लियर हो जाएगी तो पता चलेगी कि ये करीब कितना साल ये रोड रोलर पुराना है। आप देख लें चारों तरफ से इस रोड रोलर को हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये रोड रोलर ने अपना रोल जो है पूरी तरह से निभाया है पटना की सड़कों पे। और ये जब पुराने ज़माने का है, काफ़ी काम का था और करीब 100 साल का हो गया है, तो अब ये एंटिक में आता है। इसको पटना संग्रहालय में रखा गया है। अब जो है धीरे धीरे ये लोगों के बीच में आ गया है, लोग भी इसको देख रहे हैं। देख लें ये हर तरह से आपको नए वाले रोड रोलर से अलग दिखेगा। सबसे ख़ास बात यह है कि ये डीजल से नहीं कोयला से चलता है, स्टीम से चलता है ये रोड रोलर। और यहाँ के अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि ये जो है 70 फीट की खुदाई में नहीं मिला है, ये साइड में था, दबा हुआ था, जिसको निकाल के यहाँ लाया गया है। और आपको बता दें कि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये कितना साल पुराना है, मगर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करीब करीब 100 साल ये पुराना है। अब इसकी कार्बन टेस्टिंग होगी, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये रोड रोलर कितना पुराना है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।